छत्तीसगढ़ी बैंक के पंचवार्षिक संचालक मंडल के चुनाव 28 मई को होने जा रहा है। इसको देखते हुए पूर्व संचालक एकता पैनल द्वारा सहकार श्री राम पैनल की छवि खराब करने का चुनावी दौर शुरू कर दिया गया है। इन आरोपों को देखते हुए सहकार श्री राम पैनल के समर्थक तेजेश्वर अजीत कौशल ने पूर्व संचालकों की पोल खोल निकाली। आइए सुनते हैं तेजेश्वर अजीत कौशल की जुबानी। सर्वप्रथम मेरे सभासद भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं तेजेश्वर कौशल, मेरे पिताजी इस इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं और मेरा उन सभासदों से एक ही निवेदन है कि आपको सहकार पैनल को इसलिए लाना है क्योंकि जो एकता पैनल वाले जो कुछ चुनिंदा जो अपने इस बैंक को अपनी पुरखों की जागीर समझते हैं, है ना, उनको ऐसा लगता है कि ये बैंक सिर्फ मेरा है और मेरे परिवार का रहेगा, मेरे परिवार के पालन पोषण के लिए रहेगा। ऐसे सोचने वाले कुछ 3-4 जो संचालक है उनके चक्कर में आज ये नौबत आ गया है कि हमको पूरे एजेंट को, हमारे संजू भैया और भागवत भैया, सतीश भैया इनके नेतृत्व में, और बर्मन साहब जो कि हमारे बहुत ही काबिल और बहुत ही होनहार ऐसे एजेंट है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस बैंक को चलाने के लिए लगा दिए हैं। खास तौर पे मैं ये बात करना चाहूँगा सुखी राम जी बर्मन के बारे में। उन्होंने बहुत दिनों से अपना पूरा कम से कम 30 साल का जो एक ऐसा बोल सकते हैं कि लाइफ का आधा हिस्सा, पूरा जीवन ही उन्होंने इस बैंक को समर्पित किया है। लेकिन जो सुखी राम बर्मन जी के साथ में मिलना चाहिए, उनको फायदा मिलना चाहिए, वह यह बैंक, वह ये कुछ संचालकों के कारण से नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं बात की जाए कौशल जी, तो कहीं ना कहीं सुखी राम बर्मन जी के साथ जो है उनका जो हक है वो छीना गया ऐसा आपका आरोप है। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसमें हमारे पूर्व जो अध्यक्ष रह चुके हैं, 2-3 अध्यक्ष रह चुके हैं, नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि सभी के सभी अपोजिशन में है और उनका पहले मेरा रिश्ता था, लेकिन चुनावी सरगर्मी के तहत में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि चुनाव एक अलग पार्ट हो जाता है। कोई ऐसा सोचता ही नहीं कि ये परिवार का व्यक्ति है, ये कुछ ऐसे झूठे मोटे आरोप लगाए जाते हैं हर एजेंट के खिलाफ में। हमारे कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से यहाँ बैंक में सेवा दिए हैं। सुखी राम बर्मन की बात बोलता हूँ मैं, उनका तो इतना अच्छा कार्यकाल रहा है, उनके ये बोला जा रहा है सभासदों के बीच में सुखी राम जी को हम लेने वाले थे हमारे पैनल में। रेवती केकती जो हमारे दिवंगत नामदेव जी केकती इनकी धर्म पत्नी है, उन्हें भी यह आश्वासन दिया गया कि आपको हम लेने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दूसरी बात, हमारे एक एजेंट की रोजी रोजगार खा गए आज तक के, कभी ऐसा आपने भी देखे होंगे, आप पत्रकारिता के लाइन में हो, कई फील्ड में जाते रहते हो, कई ऐसे सभासदों एजेंटों के बीच में जाते हो, कोई भी एजेंट अगर इस्तीफा देता है उसके बाद में वसूली नहीं करता, लेकिन अध्यक्ष के लालसा के कारण से उनका ऐसा एक स्थिति ऐसा आ गया है। उन्होंने एकता पैनल तो बनाए जरूर, लेकिन उनको कैंडिडेट ढूंढने के लिए इधर उधर पूछना पड़ा। यहाँ तक कि जो कैंडिडेट उन्होंने लाए हैं, एक महिला जो स्वर्गीय माना भाई जेठुमल जी की पुत्री है, उनको छत्तीसगढ़ से बुला के लाया गया है। तो ऐसा क्या नौबत आ गया कि हमारे संस्था में 600 लेडीज है, 600 लेडीज होने के बाद में एक 600 लेडीज में नागपुर में एक लेडीज नहीं मिली कि उनको छत्तीसगढ़ से लाके उनको सीट दिया गया। हमको कोई मन मुटाव नहीं है। रही बात, एक चीज और आया है हमारे बीच में सुनने के लिए मिला है कि हम लोगों ने हमारे पैनल का जब कार्यालय का उद्घाटन किए तो 3 जो हमारे दिवंगत जो ये है संचालक, स्वर्गीय श्री मेवालाल जी साहू, स्वर्गीय नामदेव जी केती और स्वर्गीय मानकर जी, विपत राव जी मानकर जी, इन्होंने क्या किए हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर एक आरोप लगाया है कि आप लोगों ने सिर्फ 3 लोगों का फोटो डाले हो अपने कार्यालय उद्घाटन में। हमारा उद्देश्य आज तक के कभी ये नहीं है, हमारा उद्देश्य ये रहता है
जो एजेंट हमारे साथ में जुड़ा है, जो हमारे एजेंट संगठन में जुड़ा है, वो हमारे लिए सभी के साथ में रहता है। हम लोगों ने बाकायदा जितेंद्र जेठुमल के यहाँ जाके मैंने खुद पर्सनली जेठुमल जी से बात किया और उनसे बात किया कि माना मैडम का मेरे को फोटो डालना है। कैसा है यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ गैर जिम्मेदाराना संचालक जो खड़े हुए हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। माना भाई जेठुमल, उनका हमारे पैनल से सभी एजेंटों से अच्छा लगाव रहा। उनके परिवार से जब पूछा गया कि आपको आपके परिवार की माता जी का फोटो डालना है, तो उन्होंने साफ कह दिया क्योंकि मेरी बहन एकता पैनल में गैस सिलेंडर में खड़ी है, इसलिए मैं इधर से मैं फोटो नहीं दे सकता। ऐसे ऐसे कायराना हरकत वो पक्ष वाले कर रहे हैं और हमारे ऊपर बहुत ही घटिया एलिगेशन आरोप लगा रहे हैं। चुनाव का समय है, सभी को बोलने का हक है, बोलने का हक है। इसका मतलब ये नहीं रहता है कि कुछ भी बोल दें। आपके पास में लिखित प्रमाणित है कुछ है, सबसे पहले यह देखा जाता है। आरोप तो मैं किसी के ऊपर कुछ भी लगा सकता हूँ, आरोप मैं किसी के ऊपर कुछ भी लगा सकता हूँ। सबसे सर्वप्रथम मैं ये कुछ कहना चाहता हूँ मेरे ही बारे में कि मेरे बारे में आरोप लगाया जा रहा है कि इसने ये किया है, उसने वो किया है। अगर भाई आप सत्ता पक्ष में थे, है ना, आप अध्यक्ष थे, आपका ही उपाध्यक्ष था, आपके ही पैनल के लोग थे ना, कोई एक संचालक के बदौलत तो किसी का रोजी रोजगार नहीं बच सकता। आपके हाथ में जब सब पावर था, जब मैंने कुछ किया था, तो मेरे को एजेंसी से निकाल देना था। जिस हिसाब से ललिता मूलचंद निर्मलकर को निकाला गया इसी सत्र में, नरसिंह घुघुआ को निकाला गया, ऐसे दो तीन जो है उनको निकाला गया। आरोप तो यहां तक के है कि नीलचंद की जो भतीजी है उन्होंने भी फ्रॉड किए थे, लेकिन उनको भी बचाया गया। उपाध्यक्ष दिनेश गुंजेले की पत्नी देवकी गुंजेले, वो भी एजेंसी थी, उन्होंने भी फ्रॉड किया, लेकिन उनको भी बचाया गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो बार, उन्होंने कई बार, एक संचालक ऐसा है जो अपने बच्चे के एजेंसी बचाने के लिए उसको यहां तक बोल दिया कि ये मतिमंद है करके। अब आप ही सोचिए जिनकी सोच इतनी छोटी है वो कहां तक के ये चीज को कर पाएगा। देखो सर्वप्रथम तो कैसा है कि हमारे जो उनके घोषणा पत्र में मैंने देखा हूं कि 10,000 कुछ सभासद है, उन्होंने बकायदा मेंशन किया है। उनका घोषणा पत्र हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन जहां सभासद की हित की बात आती है वहां हमको ध्यान देना पड़ता है। 10,000 कुछ सभासदों का लिस्ट है उसमें, 10,000 को जब सभासद का लिस्ट है तो 38,000 लोगों के बीच में क्यों वोटिंग हो रहा है। सबसे बड़ा आरोप मेरा वो है कि भाई अगर 10,000 वोटर है तो सिर्फ 3800 लोगों को वोटिंग का पावर क्यों दिया गया। अगर मान लो उसमें इनका एक बहुत बड़ा सोची समझी राजनीति के तहत में इनको मालूम था कि अंदेशा था इनको कि एजेंट जो है वो अलग होने हो सकते हैं। 2 साल पहले श्री कौशल जी ने, अजीत कौशल जी ने अवहाल के बीच में एक मीटिंग होता है, आपको ये बताना चाहूंगा मीटिंग के बारे में कि मीटिंग अध्यक्ष हमारा कब लेता है, सिर्फ अवहाल के समय में। आपको भी मालूम है अगर संस्था हमको सुचारू रूप से चलाना है, संस्था अगर सुचारू रूप से चलाना है तो हमको एजेंट कर्मचारी इनके बीच में कम साल में 2-3 बार बैठक करना चाहिए। लेकिन नहीं मालूम क्या हो जाता है मुन्ना शत्रुघ्न जी सारवा जी को कि मीटिंग से बहुत कोसों दूर भगते हैं। हमारे कुछ ऐसे एजेंट हैं जिनके बदौलत ये संस्था चलाते हैं, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं उसके कारण से हमको आगे आना पड़ा। एक एजेंट भाई है दीपक ताजिना, दीपक साहू, उनके बड़े पिताजी उस पक्ष में है और वो इस पक्ष में क्यों आए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये लोग संस्था के साथ में ऐत करने वाले हैं। अभी तक के क्या होता था, लाभांश उनको 10% 12% दिया जाता था, लेकिन 3 साल से उनको 10% कर दिया। कभी भी प्रॉफिट संस्था, कोई भी संस्था प्रॉफिट अगर करती है तो इंक्रीजिंग में करती है, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं रहता कि लॉस मेकिंग रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पापा जी ने डिसीजन लिए है वो सभासदों के हित के लिए है। मॉर्गेज रही बात है मॉर्गेज की, मॉर्गेज में भी इन्होंने 2-3 हजार रुपए एक मॉर्गेज लोन केस में इन्होंने अंदर किए हैं। मेरा सीधा सीधा आरोप है एकता पैनल वालों के सभी जो ये है अध्यक्ष उपाध्यक्ष है ना निर्मलकर, इनका के ऊपर मेरा सीधा सीधा आरोप है कि मॉर्गेज का जो चार्ज जाता था 6,000 से 7,000 का है
जो एक्स्ट्रा चार्ज जाता था, जैसे कि उसमें निम्नलिखित तरीके से है, 3 लाख के ऊपर 9,000 लगता था, 4 लाख पे 10,000 और अपने 12,500 पे 5 लाख के ऊपर 12,500 रुपए, ठीक है। तो ये कैसा है मालूम है, उन्होंने ना एक रास्ता बना लिया अपना आय का। अब आय का अगर रास्ता बन गया है तो अगर आय के रास्ते में अगर कोई विघ्न डाल रहा है तो उसको साइड करना जरूरी है, बराबर है। इसीलिए इसी कड़ी में पापा ने यही बोले कि ये आप जो लोग कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो। अभी अगर मान लो मेरा ये वीडियो रिलीज होता है तो उन्होंने वो कल ही तुरंत रिलीज डाल देंगे वीडियो कि जो जो आरोप इसने लगाया है कुछ नहीं है, सब व्यर्थ है, इसके पापा ने ही किया है, ये भी बोल देंगे, नौबत ये भी आ सकता है। और रही बात मालूम है क्या, हमारे अध्यक्ष की एक कारस्तानी बता रहा हूँ, रामकिशन केकती, ये पहले हमारे लोन का फोटो खींचता था, गरीब तबके का है और मेरे चाचा जी भी है और वो बेचारे रोजी मजदूरी करके अपना फोटो पहले खींचते थे, ये चुनाव के पहले वाले चुनाव में वो वही फोटो खींचते थे। लेकिन जैसे ही मुन्ना सारवा जब अध्यक्ष बना, मुन्ना सारवा यानी मुन्ना उसको प्यार से बोलते हैं, शत्रुघ्न सारवा है उनका नाम, अध्यक्ष है वो क्या है कि जब 200 का जब लालच दिखा उनको फोटो में, मौका जांच में जब उनको ये लालच दिखा कि ये आय का स्रोत है, हमारे बैंक में इतना फाइल आ रहा है, 50 फाइल 60 फाइल आ रहा है, तो उसमें उनको एक आय का जरिया दिखा। आय का जरिया दिखने से वो क्या हुआ है मालूम है क्या, उन्होंने जो फोटो का टेंडर है हमारे अभिकर्ता सुरेश सारवा इनको दे दिया गया। और उन्होंने क्या किया, कम से कम मेरा एक अंदाजन है मोटा मोटा अमाउंट लगभग 10 लाख के अंदर में उन्होंने फोटो के जरिए में कमाए हैं। आय का जरिया ये लोग बहुत तरीके से ढूंढते रहते हैं। यही चीजों को रोकने के लिए अजीत कौशल ने अपने कुछ अच्छे अच्छे एजेंट, ऐसा नहीं है सभी अच्छे है, और उनमें ऐसा भी नहीं है कि सभी एजेंट नहीं है, सिर्फ 5 एजेंट है और वो भी उन्होंने ट्रांसफर किए हैं, किन्होंने, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद में रहते हुए उन्होंने ही ट्रांसफर किए हैं, इसलिए उनको इस फील्ड में आना पड़ा। और हमारे बीच में समाज के सभी कोनों से संचालक लिया गया है, इनका एक आरोप है, इनके बीच में जो नए हैं वो कुछ नहीं करने वाले, ऐसा करके मेरा यही आह्वान है, संस्था को बचाना है तो आप लोगों को, सभी सभासदों को, हमारे कब्बसी छाप जो सहकार पैनल का एक चुनाव चिन्ह है उसमें सभी मतदाता भाइयों को, सभासद भाइयों को वोटिंग डालना है। और अप्रत्यक्ष रूप से जो 800 सभासद जिनके नाम कटे हैं, खासतौर पे डिप्टी सिग्नल बस्ती, हमारे जो मातृभूमि है संस्था के लिए जन्मभूमि है, वहाँ से जो 800 सभासदों का जो नाम कटा गया है उनका भरपूर प्रयास रहना चाहिए कि ऐसे जो संचालक है, जो ऐसे पद में जो बैठे हैं, उनको जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको बिल्कुल भी वोट ना दे, पूरे एकता पैनल को हराए अच्छे से, और हमारे कब्बसी जो सहकार पैनल है उनको भारी मतों से विजयी बनाए।